फजर की तिलावत जो की गई, इसमें सूरह अनआम और सूरह ज़ारियात दूसरी रकात में जो पढ़ा गया, ख़ास तौर पर सूरह ज़ारियात दूसरी रकात में जो पढ़ी गई उसका आखिरी हिस्सा, उसमें एक ख़ास बात बताई गई, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, कि आप नसीहत कीजिए, तज़कीर, रिमाइंडर, याद दहानी। तो याद दहानी का फ़ायदा क्या होगा? जो मोमिन हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो ये है कि एक दूसरे के दरमियान वाज़ो नसीहत, तज़कीर, रिमाइंडर, एक दूसरे को समझाना, इफ़ाम व तफ़हीम। और दूसरा, जो मोमिन हैं वो वाज़ो नसीहत या तज़कीर या रिमाइंडर से फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमें किसी की याद दहानी की ज़रूरत नहीं, हम जो इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि कोई हमारे लिए एडवाइस करे, वो उसको कसर शान समझते हैं। जबकि यहाँ ज़िक्र ये किया जा रहा है कि जो मोमिन होंगे वो वाज़ो नसीहत से, तज़कीर से और रिमाइंडर से फ़ायदा उठाएंगे। सहाबाए किराम जो हमसे बहुत ज़्यादा मुत्तकी थे, हमसे ज़्यादा दीन को समझने वाले थे और हमसे ज़्यादा दीन पर अमल करने का शौक़ और जज्बा उनके अंदर पाया जाता था, मगर इसके बावजूद कभी वो एक दूसरे से मुलाकात करके बैठा करते थे, हलुम्मा नुमिन साअतन, आओ कुछ देर अपने ईमान की तजदीद करें। क्या मतलब ईमान की तजदीद? क्या सहाबा का ईमान कमज़ोर था? यानी जब हम एक अच्छी बात करने के लिए बैठेंगे, जमा होंगे, तो वो एक दूसरे के ज़रिए से हम अपने ईमान को तक़वियत देंगे, एक दूसरे के लिए रिमाइंडर का ज़रिया बनेगा, याद दहानी का ज़रिया बनेगा। इसके लिए सहाबा कभी कभी इस तरह का जुमला कहा करते थे कि ईमान की तजदीद, ईमान की याद दहानी, के ईमान से मुताल्लिका जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ हम शेयर किया करेंगे। और इसका एक सबब यह भी है कि कभी कभी इंसान का नफ्स शैतानी असरात की वजह से तकब्बुर में मुब्तला होता है और वो गलत फहमी की वजह से यह समझता है कि मैं सब जानता हूँ, हालांकि उसे मालूमात नहीं होती। और गलत फहमी की वजह से कुछ नौजवान ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है, जबकि मालूम नहीं होता उनको। सहाबा को अगर ज़रूरत है तलकीन की, वाज़ो नसीहत की, तज़कीर की, तो आप समझते हैं कि हम इतने ज़्यादा हो गए कि सहाबा से हमारा ईमान बढ़ गया, या इसी तरह हम इतने पुख्ता हो गए कि हमें किसी की याद दहानी की ज़रूरत नहीं बाकी रही। तो एक तो इसमें याद दहानी, तज़कीर, ये एक दूसरे के साथ ईमान की तजदीद के लिए, अमल की मजबूती के लिए, अकीदे की पुख्तगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान, जिन्नात वग़ैरह की जो तख्लीक़ फरमाई उसका सबब क्या है? क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उमूमन तो उसका एक रीज़न होता है। अगर एक मामूली सी घड़ी में बांधा हूँ हाथ पर, तो बनाने वाले के सामने एक सबब होता है उसका। मैं अगर जेब में कलम रखा हुआ हूँ, जबकि मामूली चीज़ है कलम, लेकिन यह है कि उसका एक रीज़न है। बग़ैर सबब के आप कलम नहीं रखते, या बग़ैर सबब के आप घड़ी नहीं पहनते। तो क्या एक ख़्याल है कि सारी कायनात, सारी दुनिया बग़ैर किसी रीज़न के बन गई, या उसका कोई सबब है? तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये सबब के साथ बनाया गया है। ये सारी दुनिया की तख्लीक जो हुई वो एक सबब के ज़रिए हुई, और वो सबब क्या है? अल्लाह ताला की तुम बंदगी करो। अल्लाह की बंदगी क्या होती है? एक इबादत और एक आदत, दोनों में बड़ा फ़र्क है, इसको जहन में रखिए। आदत और इबादत, हम लोग असल में मिक्सअप हो जाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आदत के कुछ काम करके समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। रूटीन अलग चीज़ है, इबादत अलग चीज़ है। आदत कहते हैं रूटीन को। जैसे आज 25 दिसंबर 2021, 25 दिसंबर ये क्रिसमस डे है, और इसमें नसारा ये सेलिब्रेट करते हैं। क्या है वो क्रिसमस डे? क्या है क्रिसमस डे? किसी ज़माने में उसका ताल्लुक़ अकीदे के साथ और अब कल्चर के साथ, किसी ज़माने में उसको इबादत समझते थे और अब आदत समझकर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अक्सरियत क्रिश्चियनिटी या नसारा
अक्सरियत ये समझती है कि 25 दिसंबर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का कोई ताल्लुक नहीं। जब ताल्लुक नहीं है तो उनका जश्न मीलाद किस बात पे मना रहे हैं आप, ये त्यौहार किस मामले में मना रहे हैं? तो बहुत सारे ईसाई ये उसका जवाब देते हैं कि हमारे पास सेलिब्रेशन, जश्न या त्यौहार के लिए कोई ख़ास मौका या मुनासबत नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि सालाना ईद करें। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आज पैदा हुए, हालांकि नहीं पैदा हुए हमें मालूम है, क्योंकि हमारी अपनी कुतुब मुक़दसा में उनकी पैदाइश की जो सिफ़ात बयान की गई, फ़लस्तीन का इलाका है बैत लहम, असल में है ये बैतुल लहम, तो बैत लहम जो है ये इलाका मस्जिद अक्सा से बहुत करीब है, और वहाँ 25 दिसंबर को वो अलामतें जो बताई जाती हैं वो नहीं आती। जब वो अलामतें नहीं आती तो 25 दिसंबर उनकी पैदाइश का दिन कैसे हुआ? तो कहते हैं हम भी समझते हैं कि ये 25 दिसंबर नहीं है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि रमज़ान की पूरे रोज़े रखने के बाद हम ईद मनाते हैं, लेकिन अगर कभी किसी साल कोई ये फ़ैसला कर ले कि हम शाबान में ईद मनाएंगे, कोई मना सकता है? या कोई ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख को ईदुल अज़हा मनाने के बजाय मुहर्रम की 1 तारीख को मनाने का ऐलान कर दिया जाए तो क्या ये मुमकिन है? यही है फ़र्क समझने का। तो हमारी ईद इबादत, और इबादत तौकीफ़ी होती है, मतलब ये है कि इबादत अपनी मर्ज़ी और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं कर सकते। इबादत उसी तरह से करने के हम पाबंद हैं जो कि मसनून तरीक़ा है। तो मसनून होने के लिए ज़रूरी है कि सुन्नत में वो सारी वजाहत हो कि ईद के दिन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या काम नहीं करना चाहिए। ये है ख़ूबसूरती और हुस्न इस्लाम का। मगर इसके मुकाबले में आप देखिए, आज 25 दिसंबर है, आप पूछिए उनसे क्या करते हो तुम। तो पहले किसी ज़माने में ये लोग मज़हबी समझकर करते, अब मज़हब से ज़्यादा कल्चरल चीज़ है कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, अब सब मना रहे हैं तो हम भी मना रहे हैं 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह के तौर पर, मीलाद के तौर पर, उनके यौम पैदाइश के तौर पर। नतीजा क्या हुआ? चूँकि इसका अकीदे के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, आदत के साथ ताल्लुक़ रहा, तो अब उससे होते होते लोगों के अंदर अकीदे और मज़हब से ज़्यादा वो जो आदात हैं, वो आदात यानि रूटीन और वो चीज़ें, कल्चरल जिसका ताल्लुक है तहज़ीब और सकाफ़त के साथ, वो चीज़ें आ गई। किसी भी कौम को पहचानने के लिए बाज़ अहले इल्म की राय है कि उनके ईद और ख़ुशी के मौके को देखिए, ताकि उनके अखलाक का आप जायज़ा ले सकें कि कौन सी कौम के अखलाक क्या हैं, उनकी ख़ुशी के दिन देखिए। अब हमारी और आज 25 दिसंबर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ईदुल फितर पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद हम अल्लाह के हुकूक जहां अदा करते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की हमें तलखीन की गई कि आप नमाज ईद से पहले गरीब के घर, मिस्कीन और मोहताज के घर फितराना पहुँचाएँगे। कहीं ऐसा ना हो कि ईद की खुशी आपके बच्चे तो सेलिब्रेट करें और गरीब का बच्चा ईद के दिन भी भूखों मर रहा हो, ये इंसानी शराफत और इस्लामी मुरव्वत के ख़िलाफ़ है। तो हम ईदगाह जाने से पहले गरीब के घर अनाज पहुंचाते हैं फितराने के तौर पर, घर के जितने अफराद हैं उनकी तरफ से, ये हमारी ईद का तसव्वुर है। ईद के दिन नहा धोकर हम 5 के बजाय 4 नमाजें नहीं पढ़ते, बल्कि ईद के दिन 2 रकात इजाफी हम अदा करते हैं मैदान में जमा होकर कि अल्लाह आज खुशी का दिन है, हम तेरी ज़्यादा इबादत करेंगे। ईद का दिन है, हम रास्ता जो चलते हैं अल्लाह की अज़मत, किब्रियाई और अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए, कि ये ईद का दिन है, हम अल्लाह की इबादत, ज़िक्र व अस्कार इसको फरामोश नहीं किए। कितना पाकिज़ा है हमारी ईद का तसव्वुर कि आने से पहले गरीब का ख्याल और रास्ते में चलते हुए अल्लाह की अज़मत और किब्रियाई। ईद के दिन नमाज कम करने के बजाय 2 रकात मज़ीद हम पढ़ते हैं, ये ईद है मुसलमानों की। और उसके बाद बकरीद के मौके पर नमाज ईद के बाद हम कुर्बानी करते हैं, हमारे घर अच्छा खाना पक रहा है, ईद का दिन है,
कहीं ऐसा ना हो कि गरीब के घर फ़ख्र व फाका हो, हम क़ुरबानी के गोश्त का एक हिस्सा बिन मांगे के उसके घर पहुंचाते हैं कि ये हमारी खुशी का दिन है, तुम भी हमारे साथ शेयर करो, शामिल हो जाओ। हमारे घर अच्छा खाना बना है, तुम्हारे घर भी आज उसी तरह अच्छा खाना बनना चाहिए। ये इस्लामी तहजीब, ये इस्लामी तरीक़ा है कि हम ईद के दिन किस अंदाज से अपने अखलाक का मुजाहरा करते हैं, जो कि मसनून तरीक़ा है। और क्रिसमस में क्या होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, जो आयत पढ़ी गई उसको आप ज़रा अप्लाई करें कि अल्लाह ने फरमाया इंसानों की पैदाइश का बुनियादी मकसद क्या है, अल्लाह की इबादत। और इबादत सिर्फ नमाज या जिक्र अस्कार नहीं, इबादत आदमी की पूरी ज़िंदगी है, चाहे मेरे हुकूक़ मुआमलात हों, लेन देन हो, कारोबार हो, तिजारत हो, वो सारी चीज़ें अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होंगी तो वही चीज़ इबादत कहलाएगी। मैं अगर कमाई कर रहा हूँ मगर इस शर्त के साथ कि हलाल रोज़ी खाऊँगा, कमाऊँगा और अपने बच्चों को खिलाऊँगा, कमाते हुए गोया आप इबादत कर रहे हैं। और अगर आप हराम रोज़ी की तरफ जाएंगे तो कितना ही बिस्मिल्लाह कह के खाना लुकमा अपने मुंह में डालिए, आपके हक़ में वो जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि आपने अल्लाह का कानून जो है उसको तोड़ दिया कि हराम चीज़ के मत खरीद जाओ। लेकिन हराम रोज़ी अगर कमाएंगे तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं होगा, कोई शराब का प्याला बिस्मिल्लाह कह के मुंह को लगाए तो वो हलाल नहीं होता उसके लिए, क्योंकि शराब हराम है, हराम ही रहेगी। इसी तरह अगर कोई अपने बीवी बच्चों के साथ मुनासिब अंदाज से गुफ्तगू भी करता है तो वो इबादत कर रहा है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। लेकिन अगर मेरा बिहेवियर, मेरे अखलाक अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ बुरे हों, गुफ्तगू में गलत अंदाज में इख्तियार करूँ, उसके जज्बात और उसके एहसासात का मैं ख्याल न रखूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मैं इबादत नहीं कर रहा हूँ। अब ये हमारे ऊपर है कि बीवी बच्चों से गुफ्तगू करते हुए भी इबादत का सवाब ले सकते हैं, अगर हम सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा बताया गया उसके मुताबिक घर में अपने बच्चों के साथ हंस बोल कर थोड़ी देर गुफ्तगू करें, उनकी तरबियत की फ़िक्र करें, अपनी बीवी की तरबियत या उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, तो हम इबादत भी कर रहे हैं। ये इस्लाम का हुस्न है। अगर आप अपने रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं, ये इबादत आप कर रहे हैं, जो रास्ता आप चल रहे हैं इबादत का सवाब आप पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कट ऑफ हो गए उनसे, ख़त्ते ताल्लुक़ कर लिए, तो आप इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मगर ये दुआ बाउंस हो रही है, आपकी रिजेक्ट हो रही है, इसलिए कि आपने रिश्तों को काटा, आपने रिश्तों के हुकूक़ को नहीं पहचाने, तो इबादत फिर ख़त्म हो गई। तो इबादत का मतलब सिर्फ ज़ाहरी दो रकात अदा करना नहीं है, पूरी ज़िंदगी एक मोमिन की इबादत में ढल सकती है, अगर वो अपनी नीयत दुरुस्त कर ले और जो काम करना चाहता है वो सुन्नत के मुताबिक हो, तो वो इबादत कर रहा है, कमाते हुए भी, रास्ता चलते हुए भी, अपने बहन भाई रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जो जा रहा है वो इबादत का सवाब पा रहा है। बीवी और शौहर अगर घर में वो बच्चे नहीं हैं, वो बीवी के साथ बैठकर इत्मीनान से कुछ देर बात कर रहा है, तो भी वो इबादत कर रहा है, इबादत का सवाब पा रहा है। क्योंकि अगर कोई आदमी बीवी की रिस्पेक्ट ना करे और बीवी के साथ बेहतर अखलाक का मुजाहरा ना करे, तो फिर ऐसी सूरत में वो गुनाहगार है। तो जब अच्छा सलूक कर रहा है तो सवाब होगा उसको, वो गोया कि इबादत कर रहा है उसके साथ। तो ये हमारा अपना तसव्वुर है। तो क्रिसमस में क्या होता है, क्रिसमस में मगरबी दुनिया के अंदर उनका एक रिकॉर्ड है, क्रिसमस में जितनी शराब पी जाती है किसी साल के और दूसरे दिन उतनी शराब नहीं पी जाती, ये उनके अखलाक, ये उनका कैरेक्टर है। क्रिसमस के मौके पर शराब चूँकि उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, जब आदमी एक हद को तोड़ देगा तो उसके बाद हद बाकी नहीं रहेगी, वो बहुत से गुनाह और बुराई के काम कर सकता है। रोड जितने एक्सीडेंट क्रिसमस के दिन होते हैं मगरबी दुनिया में वो किसी और दिन नहीं होते, क्योंकि जब आदमी नशे में होगा कोई भी गलती कर सकता है वो। क्रिसमस के मौके पर घरेलू लड़ाई झगड़े जितने होते हैं शायद आम दिनों में उतने नहीं होते, क्योंकि आदमी एक बुराई करेगा फिर दूसरी करेगा, खुद ब खुद वो कई बुराइयों की तरफ वो ले जाएगी। ये उनका कल्चर है, ये उनकी सकाफत है,
क्रिसमस के मौके पर कितने ईसाई हैं जो आप चले जाएं मगरबी दुनिया के अंदर, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, वहाँ जाकर देखें आप कितने लोग उनकी इबादतगाह में जमा होते हैं। ईद के दिन हमारी मस्जिदों में जगह नहीं होती, खुले मैदान में नमाज़ पढ़ी जाती, ईदगाह में नमाज अदा की जाती है, और उनका हाल ये कि आज ईद है तो आते कौन है चर्च में, कनीसा में आते कौन है, सिवाय कुछ बूढ़े और कुछ बूढ़ियाँ, हो सकता अपने पोते या नवासे का हाथ पकड़कर चंद लोग आ जाएं, जो हमारी आम नमाजों में उससे कहीं ज़्यादा लोग जमा होते हैं। ये मैं उन लोगों की बात, क्योंकि बाज़ हमारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे से मुराद कोई दीन या दीनी तहजीब से जो वाकिफ नहीं, मगर समझ बैठते हैं कि हम पढ़े हुए हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकते हैं, या वो इंग्लिश मीडियम से कुछ डिग्री लिए हुए हैं, तो गलती ये हो गई कि वो समझते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं। ज़बान बोलना एजुकेशन की एक अलामत ज़रूर है, मगर उसकी वजह से ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है हकीकत की दुनिया में। चर्च, जो बड़े बड़े चर्च हैं, वो वैरान पड़े हुए हैं। चर्च, उस पर फार सेल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब बराए फरोख, आने वाला कोई नहीं है तो इसको खोलना, इसको गर्म करना, इसको मौसम के मुताबिक ठीक करना, ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, लिहाजा किसी और को दे दो, चलने दो, हम क्या करेंगे इसको रखकर ऐसी इतनी बड़ी बिल्डिंग को। ये हाल हो रहा है। और ईद के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर क्या होता है, क्रिसमस के मौके पर आप जाकर देखें मरकज़ी चर्च में, सिवाय आदत और रूटीन या सकाफत के कुछ ज़िम्मेदार जो चले जाते हैं, बाकी लोग, उनको इसकी फुर्सत नहीं है, ना उसका कोई एहतमाम है। तो हमारी आम दिनों की आम नमाजों में जितने लोग हाजिर होते हैं उमूमन औसत अंदाज से, उनकी क्रिसमस के मौके पर इतने लोग भी हाजिर नहीं होते। ये उनके शहर में, उनके कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर व बेशतर शायद चंद कनीसाओं को, चंद चर्चों को इससे छोड़ दें आम तौर पर। मगर यहाँ मैंने एक बात सुनी अपने नौजवान, जो मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न तालीम याफ्ता नौजवान, वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है। कहाँ है क्रिश्चियनिटी, कहाँ है मज़हब ईसाईयत सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उसके मोतकिदीन। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से किया जाता है। आपको पता है सोशल मीडिया पर आजकल बहुत से मुफ्ती हैं, वो लोग क्या करते हैं, मुफ्ती गूगल से मसला पूछते हैं, जो शेख साहब जो गूगल है उससे, और वही उनका दीन है, वही उनकी मालूमात है, उसी से वो सारी मालूमात लेते हैं। तो ईसाईयत के बारे में ये तसव्वुर कि ईसाईयत जो है सारी दुनिया का सबसे बड़ा दीन मज़हब है, वो अपनी चर्च बेच रहे हैं। यहाँ आपने देखा किसी को मस्जिद को फ़रोख्त करते हुए कि आप चाहें तो मंदिर बना लें, चाहें तो इसको वो कुछ और इबादतगाह में बदल लें, और मुसलमान उसको साइन करके देते हैं। और वहाँ एक नहीं दसियों मिसालें मौजूद हैं, और वो ज़बरदस्ती से कब्ज़ा नहीं की गई उनकी इबादतगाहों को, उनकी मर्ज़ी से, उनकी दस्तखत से पेमेंट करके ली गई है। तो इसका माना क्या है, इबादत का जो तसव्वुर है वो ख़त्म हो गया, अब ले देकर सिर्फ कल्चरल कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो वो कल्चर के हिसाब से वो मनाई जाती हैं। वरना आप समझते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में ये है कि आज शराब पियो, ये हो सकता है अल्लाह के नबी कभी ये बात कर सकते हैं? या इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आवारागर्दी आज होती है, क्या हज़रत ईसा जैसे अल्लाह के नबी ये बात कर सकते हैं या इसका हुक्म दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते और क्रिश्चियन लोग आम तौर पे करते हैं, तो इसका माना क्या हुआ, अब क्रिश्चियनिटी बतौर मज़हब के तो ख़त्म हो रही है, और बतौर कल्चर के जो कुछ बाकी रह गया, जैसे मैंने कहा 25 दिसंबर, वो कहते हैं हमें भी पता है पैदा उदा नहीं हुए, हमारे पास ईद का कोई दिन नहीं है, तो हम समझ लेते हैं कि आज पैदा हुए होंगे, इसलिए हम इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और जश्न कैसे मना रहे हैं, जैसे हमारा जी चाहता है, ये नहीं कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम दी या उन्होंने जो तरीक़ा बताया वो नहीं, बल्कि हम किस तरह से करेंगे वो जैसे हमारा जी चाहेगा। और जी कैसे चाहेगा, आज उसके मंज़र आप मुख्तलिफ़ जगहों पर देख सकते हैं। मगर हैरत की बात है, बाज़ मुसलमान दुकानों पर लिखा हुआ है मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जानते हैं कि मेरी क्रिसमस का मतलब क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? हमारे बहुत से लोग, जो मैं कह रहा हूँ कि बाज़ लोग जो अपने मॉडर्न एजुकेटेड
वो भी समझते हैं कि मेरी क्रिसमस कहना जो है कोई अलामत है, जैसे आप ईद मुबारक कह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के मानने वालों में मेरी क्रिसमस का जो तसव्वुर है वो जहन में रखिए। हैप्पी क्रिसमस का क्या तसव्वुर है? हज़रत मरियम को किस तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, एक बहुत घटिया किस्म का तसव्वुर पाया जाता है। और आप बिलीव करते हैं, आप भी ये ईमान रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और आप मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को कि अल्लाह के बेटे का आज जन्मदिन है। ज़रा सोचिए, पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। जब हम ये मानते हैं, और ये वो सूरत है जो छोटे छोटे बच्चों को भी ज़बानी आम तौर पे याद होती है, मगर इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर इब्नुल्लाह सन ऑफ गॉड अल्लाह के बेटे के तौर पर पैदा हुए और आप मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इसमें ज़रा फ़र्क समझने की ज़रूरत है। हम जब मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ना अल्लाह को बेटों की औलाद की ज़रूरत है, ना वो किसी का बाप है। अल्लाह ताला खालिक है, हम सब मखलूक हैं। खालिक और मखलूक का फ़र्क है हमारे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरमियान। तो इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे एतबार से अल्लाह के नबी हैं, नेक और मुक़द्दस और मोहतरम हस्ती का नाम है। हम उनकी पूरी इज़्ज़त करते हैं, उनकी नबूवत पर ईमान हमारा जुज़्वे ईमान है, हम उनकी क़द्र करते हैं, मगर उनको इब्नुल्लाह नहीं कहते, हम अल्लाह का बेटा नहीं कहते। ये हमारे और उनके दरमियान फ़र्क है। और आप कह रहे हैं कि हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे के तौर पर हैं, उसके लिए स्पेशल केक बनाए गए मुसलमान बेकरीज़ की तरफ से, मुस्लिम बेकरीज़ की तरफ से स्पेशल केक बनाकर अब वो केक तकसीम किए जा रहे हैं आप, और मुख्तलिफ केक उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि आपकी बिज़नेस इस तरह की चीज़ों के अंदर है? आप दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए, दूसरों का एहतराम ज़रूर कीजिए, मगर अपने ईमान और अकीदे को बेच कर नहीं। कम से कम हमें मालूम तो होना चाहिए ईमान और अकीदा ये क्या है और उसका क्या बैकग्राउंड है। तो चूंकि आज बहुत ज़्यादा जगहों पर मैंने देखा है कि वो हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, और मेरी क्रिसमस के साथ फिर वो इब्नुल्लाह के वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। अल्लाह ताला के बेटे की अल्लाह को इसकी कतन ज़रूरत नहीं है, उसकी तर्दीद की गई। छोटी सी सूरत, लेकिन एक बहुत अहम सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, जो हम छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको पढ़ते हैं, पढ़ा सिखाते हैं, वो लोग पढ़ते रहते हैं। उसमें हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं लम यलिद वलम यूलद, लेकिन अमल से कह रहे हैं कि नहीं, हम भी बिलीव करते हैं कि अल्लाह का एक बेटा है, और अल्लाह का बेटा आम नबियों से, आम अम्बिया से मुक़द्दस है। तो आप समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम बेशक बहुत ऊँचा है, मगर सैयदुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी की शान नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने आपका जो मुकाम बुलंद अता फरमाया। लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेटे हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हमारे दिल के अंदर है। और कोई काम हम उस वक्त तक इबादत नहीं समझते जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ना हो। इसीलिए जैसे हदीस में कहा गया, कितनी मोहब्बत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमाइन, तुम में से कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे और तमाम दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा ना हो जाए। बेशक माँ से मोहब्बत करें, बाप से मोहब्बत करें, बीवी बच्चों से मोहब्बत करें, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सब पर गालिब आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोमिन मखलूक में मोहब्बत करता है, और आपकी हर अदा अपने लिए बाई से अजर व सवाब समझता है कि आपकी हर अदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, यही सुन्नत है। मगर इसके बावजूद कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नुल्लाह हैं, सन ऑफ गॉड, ये नहीं कह सकता। मोहब्बत अपनी जगह, मगर ये नहीं कह सकता। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को कहना जायज़ होगा? अगर नहीं है तो फिर इस तरह की जो मुख्तलिफ जगहों पर आप देख लीजिए,
कि क्या क्या दुकानों पर लगाए हुए हैं, होटल में लगाए हुए हैं, चाय खानों में लगाए हुए हैं। हो सकता है बाज़ लोगों को उसका माना भी नहीं मालूम होगा, लेकिन देखा देखी लगा रहे हैं। मगर कम से कम समझना तो चाहिए कि ये है क्या चीज़ और उसका बैकग्राउंड क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आज इत्तेफाक से या जानकर हाफिज़ साहब ने माशाल्लाह जो हिस्सा पढ़ा है उसमें जो बात कही गई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है कि हम बंदगी करें। और इबादत उसी वक्त मकबूल होती है जब वो सुन्नत के मुताबिक हो। कोई इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती जो सुन्नत से हट कर हो, चाहे ईद का मौका हो, चाहे गमी या परेशानी का हो, शादी हो या जनाजा हो, दोनों चीज़ें वो सुन्नत के मुताबिक अंजाम पाने चाहिए। ये हमारा दीन है और हमारे दीन का ये हुस्न है। अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाफिर।